नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रोमार्ट ग्वालियर पर। किसान भाइयों आ चुके हैं धान की नर्सरी में, तो धान की नर्सरी में आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन चल रही है। अभी धान की नर्सरी अभी ठीक नहीं है, धान की नर्सरी में अभी तनाछेदक इल्ली का अटैक देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ पत्ता लपेटक भी इल्ली आ रही है इसमें, साथ ही साथ इसमें झंडा रोग भी देखने को मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको, झंडा रोग भी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं झंडा रोग भी देखने को मिल रहा है इसमें। साथ ही साथ धान की नर्सरी में ब्लास्ट का भी अटैक देखने को मिल रहा है, तो जानते हैं किसान भाइयों किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है। अगर बात करते हैं तना छेदक की इल्ली की, इल्ली को दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं आप। पहला तो दानेदार कीटनाशक कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ला के डाल सकते हैं, और दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। दानेदार अगर कीटनाशक की बात की जाए तो सिंजेंटा का बर्टाको डाल सकते हैं, FMC का फटेरा डाल सकते हैं, या अडामा का बरूच भी डाल सकते हैं, या फिर कहें कोई 4G टेक्निकल में जैसे कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G टेक्नोलॉजी में आता है, उसको भी आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। जैसे अडामा कंपनी का बोरेगान डाल सकते हैं, या धानुका कंपनी का कैलडान डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्प्रे की बात की जाए तो इसमें FMC कंपनी की कोराजन डाल सकते हैं, या वायर कंपनी की वायगो दवाई आती है एक, उसको भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ सिजेंटा की एक दवाई आती है एम्पलिगो के नाम से, उसको भी आप इल्ली के लिए डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए इसमें झंडा रोग आ रहा है तो उसके लिए एक टेक्निकल आता है थायोफेनेट मिथाइल, उसको ज़मीन से ही आपको डालना है। साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है कि इसमें यूरिया नहीं मिलाना है, थायोफेनेट को अगर यूरिया के साथ मिलाओगे काम नहीं करेगा, और इसमें जो झंडा रोग आ रहा है उसके लिए थायोफेनेट मिथाइल आपको डालना है। साथ ही साथ अगर ब्लास्ट की बात की जाए तो जो स्प्रे आप इल्ली के लिए कर रहे हो उसके साथ में ब्लास्ट की दवा ही मिलाना है आपको। जैसे कि कहा जाए ब्लास्ट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, अलग अलग फंजीसाइड आते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट अडामा कंपनी का कस्टोडिया को डालना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और ट्राईसाइक्लोयोल का यूज नहीं करना है, क्योंकि ट्राईसाइक्लोयोल के यूज करने से पौध को में बर्निंग भी आ सकती है, बर्निंग आएगी तो पौध हमारी छोटी रह जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको ट्राईसाइक्लोयोल का स्प्रे नहीं करना है, आपको कस्टोडिया वाला जो टेक्निकल आता है उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट और आता है ट्रोपिकोनाजल, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टेबिकोनाजल सिंगल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं है किसान भाइयों आप पे पैसा कम है तो आप टेबुकोनाजोल का भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों आपको मेरी वीडियो अगर धान की नर्सरी में अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।